हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी देखना, रुक जा। अभी देखना, मैं यहाँ से प्लेन उड़ाऊंगा, देखना। एक मिनट, तू उधर देखता रहे, मैं इधर देख रहा हूँ। तू इधर मत देखना, तेरे होश उड़ जाएंगे। अरे वहाँ का देख रहा है, यहाँ देखना, मैं प्लेन उड़ाऊंगा यार। तू उधर देखना, मुझे इधर देखना, मैं देख रहा हूँ। मैं ना तुझे देख लूंगा। मैं तो फिर भी तुझे नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इधर ही देखूंगा। ये क्या कर रहे यार, मैं तेरा बंदा हूँ यार। पर वो मेरी बंदी है। ओ यार, ये तो कबीर सिंह की बंदी है यार। वही अंकल है। अक्षय भाई, ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, रामलाल और धनीराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो। हाय अंकल, आप टीचर हो ना? नहीं नहीं, क्यों? तो फिर इधर आके सबकी क्लास क्यों लगाते हो? रामलाल, तेरे पापा पूछ रहे थे ना कि आज सोनी पे की आ रहा है। हाँ, उनको बता दे आज सोनी पे की आ रहा है। कहना मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी सारी फिल्म देखता हूँ और मैं आपका इंस्टाग्राम भी देखता हूँ। इंस्टाग्राम भी देखता है? अरे वो मेरे पापा देखते हैं ना, फिर मैं मम्मी को बता देता हूँ, फिर मम्मी पापा को देखती है और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़ा फैन तो मैं हूँ आपका। मैं सच बता रहा हूँ, केआर आडवाणी जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा तो फेवरेट लीडर भी एलके आडवाणी है। मैं सारी पिक्चरें भी सिर्फ निखिल आडवाणी की देखता हूँ। मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा बिजली का बिल भी आडवाणी का ही आता है। वो अडवाणी नहीं, अडानी है। अडानी तो तुझे तेरी टांग है, मेरे और कियारा मैम के बीच में अडानी है। कियारा मैम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके लिए रिंग लाया हूँ। रिंग? ये तो टॉफी के रैपर की है। हाँ तो मेरी सेटिंग करा दो, मैं गोल्ड की ले आऊंगा। अरे नहीं हो सकता, गोल्ड गोल्ड तो सब खत्म हो गया। क्यों? गोल्ड की अक्षय अंकल ने फिल्म बना डाली। हाँ, सोच कितने महंगे आर्टिस्ट हैं, गोल्ड की पूरी फिल्म बना दी। यहाँ तो ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो लोहे की भी फिल्म नहीं बना पा रहे। ओए चलो तुम लोग घर जाओ, सुबह स्कूल भी जाना तुम लोगों को। स्कूल नहीं जाना अक्षय अंकल, हमको स्कूल से निकलवा दो ना प्लीज। निकलवा दो, स्कूल तो पहले बंद है। मैं वो ऑनलाइन वाला चालू है ना, ऑनलाइन वाला, ओ लैपटॉप वाला स्कूल भी बंद करा दो ना। पहले जब नॉर्मल स्कूल था, 5-10 मिनट लेट जाते थे, मजा भी आता था, लेकिन ये स्कूल में लेट भी नहीं हो सकते। लैपटॉप खोलो, टीचर सामने बैठी है, गुड मॉर्निंग बॉयज। और अगर ऑनलाइन भी बंद करा देंगे तो तुम लोग क्या करोगे फिर? फिर हम क्या मैम का पीछा करेंगे। मैं आज जा भी नहीं रही हूं, लेकिन आज का दिन हम बर्थडे की साइड है। क्या हो गया तुम्हें यार? रामलाल, हम लोग बड़े कब होगी? आज यहाँ पे अडवाणी आई है, हमारी जवानी नहीं है। सही बात है, और जब जवानी आएगी तो अडवाणी नहीं आएगी। अक्षय से बात, अक्षय से आपको कराटे का शौक है ना? हाँ। इसको पराठे का शौक है। तू ऐसी बात कर रहा है, मैं तेरा भी बताता हूँ। अक्षय अंकल, ये ना चलती क्लास में आपकी फिल्म कर देता है टॉयलेट। मैं भी तेरा बताऊंगा। आपको पता है, इसने लक्ष्मी का ट्रेलर अकेले बैठ के देखा ना, इसका शूशू निकल गया था। ओए तुम लोग बहुत शरारती हो गए, चलो निकलो यहाँ से अभी। अंकल बाहर जाके थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट लो ना, हमको बातचीत करने दो थोड़ा। अक्षय अंकल, मेरे को आपसे पूछना था, मैं ना अंकल फिल्मों में आना चाहता हूँ, तो कैसे आऊँ? तू पहले पेंट में आ जा पूरा। फिल्मों में आना चाहता, आपको मालूम है पेटीकोट होता है ना इतना बड़ा वाला, उसके बीच में ऐसे सिलाई मार के पेंट बना के पहनता है ये। यार इंसल्ट कर रहा है यहाँ पे, मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ इधर से। ओ अर्चना मैम, मेरा हवाई जहाज उड़ा दो। वो क्यों उड़ाएगी? इतना बड़ा मंत्री उड़ा दिया, हवाई जहाज क्यों उड़ा सकती है? ए सच्ची बता, तूने ये वाला जोक कियारा मैम को इम्प्रेस करने के लिए बोला ना? ए बात बोलूं, तू जितना अच्छा ब्लश करता है ना, उतना अच्छा ब्रश किया कर, तेरे मुंह से बात बहुत आती है। यार ये सब बात यहाँ पे नहीं करनी है, मेरे से इम्प्रेस होने वाली थी वो। तेरे से इम्प्रेस? हाँ। क्या आता क्या है तेरे को? मैं अपनी क्लास में फोर्थ आया था, तू कुछ भी पूछना मेरे से, मैं कुछ भी पूछ, मेरे को आता है सब कुछ आता है। अच्छा अच्छा पता, दो आदमी एक काम 8 दिन में करते हैं, तो एक आदमी वही काम कितने दिन में करेगा? ओके
देख अगर वो आदमी अक्षय कुमार है तो वो एक दिन में कर देगा, पर अगर वो आदमी कपूर शर्मा है तो वो तो बातें करने बैठ जाएगा, काम वाम कुछ होने वाला है। अच्छा तुझे इतना पता है, तू मुझे बता, एक घोड़ा है हाँ? वो एक दिन में दिल्ली तक पहुंचता है, ठीक है okay. एक हाथी है वो कितने दिन में दिल्ली पहुंचेगा? वो तो तू ही बता सकता है ना। हाथी तो तू ऐसे जाएगा, मैं कितना क्यूट हूँ, कह रहा मैम इम्प्रेस्ड है ना, इम्प्रेस्ड, आई एम सो क्यूट यार। मैं एक्चुअली ना अपने गले में गिटार ऐसे लटका लूँ ना तो लड़कियाँ पागल हो जाएंगी एकदम। अच्छा मतलब वो इम्प्रेस। अगर गिटार लटकाने से लड़की इम्प्रेस होती ना तो दिनेश अंकल हमारे गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन लगे होते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.